ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित कंप्यूकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट का शनिवार को 16वां स्थापना दिवस समारोह कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी रहे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कंप्यूकॉम समूह के चेयरमैन शुभकरण स्वर्णा ने की। समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर दीपक रामपुरिया और त्रिशला रामपुरिया भी उपस्थित रहे। समारोह की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। इस मौके पर मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद एम्प्लॉय न बने बल्कि एम्प्लॉयर बनने के बारे में सोचें। वहीं इस दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने भी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मिसेज राजपुरिया जी, प्रिंसिपल साहब, फैकल्टी मेंबर्स, गेस्ट और जिनकी कारण से इस इंस्टीट्यूट की पहचान है, ऐसे सभी स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को इस आईटीएम के 16वीं वर्षगांठ के ऊपर अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। दोस्तों, वैसे तो बड़ी रॉकिंग परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई है। अपने गणपति वंदना के साथ शुरुआत की और मैं कह सकता हूं कि आने वाले जो कार्यक्रम है आपके, उसमें जिस प्रकार से आपने तैयारी की है, उन तैयारियों का एक ट्रेलर केवल उस कार्यक्रम के माध्यम देखा है। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते हैं, मैं कह सकता हूं कि आप देश के उन कुछ सौभाग्यशाली स्टूडेंट्स में से हैं जिनको टेक्निकल इंस्टीट्यूट में या मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट में पढ़ने का सौभाग्य मिला है।